Day 3 ऑफ ग्रैंड फीस्टिंग। बाप रे क्या भागम भाग वाला दिन था। वृंदावन से नंदगांव, नंदगांव से वृंदावन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस भागते ही रहे। और क्या क्या हुआ? प्रसादम वितरण करने वाली कर्चियां भूल गए देखिए, और खीर की गाड़ी जिसमें सिर्फ खीर थी और भी लेट आई। एक जगह हमने सिर्फ पूरा प्रसादम वितरण किया और एक जगह हमने सिर्फ खीर वितरण करी, और एक हालत तो ऐसी हो गई हमारी कि हम इतने थक गए थे, इतनी जोर से भूख लग रही थी कि हमने एक जगह सभी गाड़ियों को रोक दिया, दोनों में खीर डाली और हमने पेट पूजा करी। क्योंकि कहते हैं पहले पेट पूजा तभी तो होगा ना काम दूजा। बहुत भागे रे भागे, बहुत भागे, बहुत भागे। ऐसा कभी कभी होता है, स्पेशली आई गेस इन दिनों में जब ग्रैंड फीस्टिंग होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी जितनी भी इंसिडेंट्स हुई इसकी हम फुटेज नहीं शूट कर पाए। और कैसे शूट करेंगे? हमारे पास जो जितने भी लोग थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स वैसे बोल रहे जैसे हमारे पता नहीं कितने 1,000, 500, 700, 15,000 लोग हमसे जुड़े हैं वॉलंटियर्स, हमारे बैंड मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स। उस दिन कड़ची भी नहीं थी और प्रसादम वितरण को मैनेज करना था, और ऐसी सिचुएशन में कौन पकड़ेगा फुटेज हैंडल करने वाला काम, कौन शूट करेगा? तो भैया बहुत सारा कुछ शूट नहीं हो पाया, उसके लिए हमका माफ़ी दे दियो। माफ़ी तो बहुत बारी मांगने की आदत होगी मेरी, लेकिन इट टीचेस मी हाउ टू बी ऑलवेज हम्बल। सो प्लीज़ वी आर सॉरी, कुछ चीज़ें हम शूट नहीं कर पाए हैं, बट जो चीज़ें शूट कर पाए हैं वो हमको ज़रूर दिखाएंगे। बस आज हिसाब लगा लेना, थोड़ी फुटेज आगे पीछे हो सकती है, बिट्स एंड पीसेज में हो सकती है, इतना तो आप भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। हाँ अभी थोड़ी मुश्किल आती है, चलो माफ़ कर देते हैं। प्लीज़ हाँ, प्लीज़। चलिए, जितनी भी ब्लेसिंग्स हमने उस दिन ब्रजवासियों से इकट्ठी करी, अब वो समय आ गया हमें उन लोगों को देने का, यानी आप लोगों को देने का, जिनकी वजह से ग्रैंड फीस्टिंग पॉसिबल हो पाई। थर्ड डे ग्रैंड फीस्टिंग भी हो गया, बिकॉज अगर आप कंट्रीब्यूशन ना भेजते तो ये नहीं हो पाता। इसलिए हम भगवान से, राधा रानी से, कृष्ण से और सभी ब्रजवासी से प्रे करते हैं कि जितनी भी सारी ब्लेसिंग उस दिन हमको मिली, प्लीज़ आप सभी को दे दो और हमेशा आप ही को देते रहो, बिकॉज थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से ये सेवा चल पा रही है। हेमा दीक्षित, अवनीश, अनिल, अनिल सवालिया, सन जिष्णु एंड सुदामा, तिथि रक्षित, कौशिक, पुण्या मूर्तला, हरी एडमस, पवन कौशल, नवीन शर्मा, राहुल गोकानी, इन्होंने हमारी बहुत मेजर सपोर्ट करी है। और वो किस तरह से करी है वो हम एक स्पेशल सेगमेंट बनाना चाहते हैं, एक व्लॉग बनाना चाहते हैं, पता नहीं कब बनेगा व्लॉग, इतने सारे व्लॉग पेंडिंग है, जिसमें हम बताएंगे कि इन्होंने हमारी क्या हेल्प करी है, राहुल गोकानी जी ने प्लस और भी लोगों ने जो हमारी हेल्प करी है। दैट सेगमेंट इज गोइंग टू बी थैंक्सगिविंग सेगमेंट, लेट्स होप कि वो जल्दी हो जाए। अनामिका शर्मा, पूजा एरे, सुनिधि देका, नितिन गुप्ता, भूमिका इन मानस, आर टू किड्स हु लव माधवस रॉक बैंड, थैंक यू सो मच। महालक्ष्मी, प्रतिभा इंगले, राहुल राज, सुमन रॉय, आर्नव, श्वेता फ्रॉम दिल्ली हैज कंट्रीब्यूटेड ऑन अकाउंट ऑफ हर गुरुजीज बर्थडे, राम 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 जी, दैट्स हर नेम, हु वाज बोर्न ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी एंड वाज अ सिंसियर डिवोटी, एंड ऑल्सो गीता भगवंत, अनदर हार्ट को डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो देयरफॉर श्वेता कठुरिया, हर डॉटर, choose to do her mother late Srimati Saroj Kathuria's bursi on the same day for blessing her to fight the struggles of being a brain tumor survivor. Wow. We really pray to Lord to bless her soul and to always keep her in the divine shelter. And thank you so much for doing such a kind service on such an auspicious day. Abhimanyu Deb, Parveen Parikh, Ruchi Goel, Chetna Solanki, Rakesh Pasbola, Govind Dattar, Franco Daring, रुचि दीदी, रुचि दीदी इज माई कजन एंड शी इज वेरी 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 क्यूट, रिधिमा शर्मा, रीना पहरवा, ज्ञानेश कुमारी, सौरभ यादव, नरेश कुमार आसनदास, सोनाली पतिधर, नंद कुमार जी, नंद कुमार जी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवोटी, ये हमें 51 रुपीस डेली भेजते हैं, इन्होंने ये कसम खाई है कि 365 डेज तक वो रेगुलरली भेजेंगे, और भेजने से पहले 16 माला का जाप करेंगे, विच इज अमेजिंग थॉट, and he is doing it along with his family. Thank you so much, Nand Kumar ji, Yogesh Lakshmikant, Sandeep Bhuniya, collected Lakshmi from 33 people, worked hard for doing this. Thank you so much, Sandeep ji. Nirmal Tale, Akash Gupta, Harika Shripuram, Suraj Khubchandani, Gaurav Mudgal, Anand Raj, Prakash Raju, Dhaval Patel, Nidhi Sharma, Ankush Batra from Surat,
गोपाल एडमस और बीरा उपासना। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाम हमसे मिस हो गए होंगे, हम नहीं नोट कर पाए होंगे जब बिना कर्ची के प्रसादम वितरण कर रहे थे। उस वक्त पे भी बहुत सारे लोगों के हमें डोनेशंस आए होंगे जिनके नाम हम नहीं नोट कर पाए। वी आर वेरी वेरी सॉरी, हमका माफ़ी दे दो, हमका माफ़ी दे दो, हमका माफ़ी दे दो। वैसे भी मेरा नाम तो निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ। तो प्लीज़ हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन गॉड विल बी मर्सीफुल अपॉन एवरीबडी हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस काइंड डिवाइन सेवा, एंड प्लीज़ हमको माफ़ कर देना क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी पूरी लिस्ट को मेंटेन करने की। थैंक यू सो मच। तो अब सीधा चलते हैं प्रसादम वितरण की ओर, जो कि बड़ी भागम भाग में किया गया था। सो प्लीज मैनेज करना, हो सकता है बिट्स एंड पीसेस में आपको फुटेज देखने को मिले। भागते रहो, बस भागते रहो, कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो, नहीं ऊपर तो नहीं भागो, नीचे भागो, धरती पे भागो और भगवान की सेवा के लिए भागो, भागते रहो। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस प्रसादम वितरण को शुरू करने से पहले कि ये आज 5 सितंबर को हम रिलीज कर रहे हैं वीडियो। आज तक प्रसादम वितरण जन्माष्टमी के बाद से लेके आज तक प्रसादम वितरण जो हम रेगुलरली थे वो चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, तो आपकी जानकारी के लिए चल रहा है और चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। कृष्ण प्रसाद महावितरण की जय, श्री राधा रानी की जय, निताई गौर प्रेम आनंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, आज नंद उत्सव की सबको हार्दिक बधाई है। आज प्रसादम डे का तीसरा दिन है, आज प्रसाद नंदगांव जाएगा। आज प्रसादम में है जीरा राइस, मटर पनीर, पूड़ी और मिक्स वेज और खीर। ये रात से बन रहा है प्रभु जी, और रात को अभी सारी लेबर अभी फ्री हुई है, 12-1 बजे से काम चल रहा है रात के। हरे कृष्णा, यहाँ पे प्रसादम की पहली शिफ्ट तैयार हो रही है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे दाल चावल एंड सब्जी रखी गई है, अभी खीर बन रही है। यहाँ पे ये टेम्पो है, इस पर सारा प्रसादम लोड किया जाएगा और इसे नंदगांव भेजा जाएगा। हरे कृष्णा। सो अभी रेन होना स्टार्ट हो गई थी, इसकी वजह से सारे प्रसाद के ऊपर थैली डाल के इन्हें ढक दिया गया है, और ये गाड़ी दूसरी शिफ्ट है। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो दोनों गाड़ियों को प्लास्टिक से ढक दिया गया है। इस गाड़ी के नीचे पहिए लगे हैं, ये पहिए घूमते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है। हरे कृष्णा। सो नंदगांव निकलने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रसादम ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि थाली में क्या कितना अच्छा अच्छा चीज़ें रखी गई हैं। पूरी दिख रही है, चावल है, और यहाँ पे दाल, ये यहाँ पे खीर रखी हुई है, ये पता नहीं क्या है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई है, यहाँ पे गाड़ियों की भी कमी है, गाड़ियों के ऊपर प्लास्टिक जो चढ़ा गया टेम्पो वगैरह के ऊपर, उसमें बैठ के हमें निकलना है। ये देखिए, ये जो टेम्पो को कवर किया गया है, इतनी सी जगह के अंदर हमें 2 जन को बैठना है। अरे बैठो, मजा ले लो। एक तो सारे कंटेनर एकदम जल रहे हैं, उन्हीं के साथ हमें बैठना, ऊपर पानी नीचे गर्म, पानी टपक रहे हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, जय श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय हो, श्री श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद उत्सव की जय हो, शीला प्रभुपाद अपेरेंस डे की जय हो। हम लोग नंदगांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, 4000 भक्तों को, नंदगांव वासियों को आज नंद उत्सव के दिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुद्रवानी की जय। देख रहे वृंदावन परिक्रमा मार्ग, ये जगह का इस नाम है वराह घाट। ठाकुर जी ने यहाँ पे ब्रजवासियों को वराह रूप का दर्शन कराया। और देखिए, यहाँ बहुत हैवी रेन हुई है अभी, और देखिए अभी भी ये बारिश हो रही है। जय श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। कहीं पर भी निकलने के पहले नरसिंह भगवान को जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि नरसिंह भगवान सारी हम लोग की जो विपदा है वो हर लेते हैं। एक गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक गाड़ी हमारे आगे चल रही है और एक गाड़ी पीछे, तीन
गाड़ी में भर के 4000 भक्तों के लिए खीर पूरी मटर पनीर की सब्जी मिक्स वेज राइस जीरा राइस सब ब्रजवासी भक्तों के लिए हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। हम लोग वृंदावन के अंदर अंदर सुंदर रोड से अंदर होते हुए अभी हम लोग मथुरा दिल्ली हाईवे पे आ गए हैं। कोसी से जो रास्ता नंदगांव के लिए गया है इसी रास्ते में जावट यानी राधा रानी का ससुराल और शनिदेव मंदिर भी पड़ेगा। हम लोग राधा रानी का ससुराल जावट आ गए हैं। ये देखिए ये जो रास्ता है ये सीधा अंदर गया है राधा रानी के ससुराल के लिए। यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है जटिला कुटिला अभिमन्यु का और श्री राधा कृष्ण का। यह जावट धाम की राधा कृष्ण की। यह है शनिदेव का बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल विग्रह मूर्ति और स्थान को कहते हैं कोकिला वन। ठाकुर जी यहाँ पे कोयल बनके यानी कोयल की आवाज में राधा रानी को बुलाया करते थे। अब नंदगांव को हम लोग पार करके बरसाने वाली रोड पे आ गए हैं। ये रास्ता बरसाने को जा रहा है। तो वी आर इन नंदगांव। ये नंद बैठक के पास में एक जगह है जहाँ पर प्रसाद हम बांटने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़ी सोसाइटी है जहाँ पर लोग रहते हैं। हमारी सिर्फ खीर रह गई है इसकी हम वेट कर रहे हैं जो 10-20 मिनट में आएगी, लेकिन हम प्रसाद वितरण शुरू कर रहे हैं क्योंकि खीर जो है वो डोने में देते हैं हम अलग से पत्तल में। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि हमारा हाफ डे फास्ट होता है। आज प्रभुपाद अपीयरेंस डे है तो आधे दिन का फास्टिंग रहता है तो वो पूरा हो गया। जैसे ही खाना बढ़ने लगेगा मैं भी लाइन में खड़ा हो जाऊँगा, मुझे भी खाना खाना है। ये मास्क दे दो सबको, एक एक जो बांट रहा है उसी को देना। एक दो तीन आप बांट रहे हो, आप बांट रहे हो बर्तन देगा। हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। पहले तो वो कर्चियाँ भूल गई सारी के सारी, ठीक है वो कर्चियाँ लेने भेजा अभी टेंट में किसी को। हम प्रभु जी मटर पनीर सर्व करेंगे। अच्छा बनाया देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रसादम बागे आनंद हो रहा है, चक्कानंद कैसा वाला प्रसादम भैया। हाँ टेस्ट है भाई, खूब बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा है। माफरू बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खाना प्रेम से खाया सब इंतजाम के। हाँ पेट भर के खाया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया राधे राधे बढ़िया बढ़िया पक्का। हरी बोल हरी बोल जय जगन्नाथ। तो यहाँ पर प्रसादम वितरण हो गया, बेसिकली हमारा ये फर्स्ट जगह जहाँ पर हमने प्रसाद वितरण किया। अब हम दूसरे एरिया में जा रहे हैं और हमने ऑलरेडी टीम को भगा दिया यहाँ से कि जल्दी भागो क्योंकि वहाँ पर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ भी प्रसादम बट रहा है और खीर भी बटेगी। तो हम अपनी दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं। इस लोकेशन का नाम है
पता नहीं क्योंकि हमारे लिए नहीं है, बट यहाँ पर अब दोबारा से प्रसादम वितरण होना शुरू होगा। और मैंने इनको बोला कि फटाफट से तीसरी लोकेशन डिसाइड करके रखो कि प्रसाद जल्दी से मिल जाए। और अब जाके मेरे हाथ में खीर आई है, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। इसको टेस्ट करने के बाद ही मैं अपनी टीम को डांट सकता हूँ ना कि अच्छी बनी कि नहीं बनी। इन सब चीज़ों में एक चीज़ खराब है, वो आपकी किस्मत आपको नहीं मिल रही।